फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज ऑनलाइन। और पहले की भांति मैं 10 क्वेश्चन के साथ आ चुका हूँ। साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि बीएससी एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम में आते हैं, उन क्वेश्चन के साथ मैं आ चुका हूँ। होप आपने कल वाली क्वेश्चन की वीडियो आपने देख ली होगी। कल भी मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और हम डेली 5 बजे ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन साइंस के डिस्कस करते रहेंगे। और एक बात बता दूं आपको, 40 नंबर जो ये साइंस आती है वो 40 नंबर की आती है। बीएससी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में 40 नंबर की साइंस आती है, तो आप 40 में से 40 भी ले सकते हो। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, आप 40 में से 40 भी ले सकते हो अगर आप मेरे साथ ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली करोगे तो। मैं डेली 5 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ 10 क्वेश्चन की साइंस की। तो अगर किसी को नहीं पता तो मेरा नाम है चेतन और मॉडर्न क्लासेज ऑनलाइन आपको बीएससी एग्रीकल्चर की, नीट की, एम्स की हर चीज़ की तैयारी करवाता है। आप हर चीज़ की तैयारी कर सकते हो। और एक बात और बता दूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी हमने अपना इंस्टाग्राम पर अपना फॉलो पेज बनाया है, उस मुझे हमें फॉलो कर लीजिए। कोचिंग अग्री के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, तो उसको भी टिप्स और ट्रिक्स के, उसको भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ, नोटिफिकेशन भेजता रहता हूँ यूट्यूब पर कब कौन सी वीडियो आ रही है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो विद जोश, तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, सबसे पहला क्वेश्चन है कंबसन इज ए प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है, कंबसन का जो फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, कंबसन इज ए प्रोसेस ऑफ कंबसन क्या है? ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। अगर एक बात और बता दूँ, अगर आप विदाउट कॉपी पेन बैठे हो तो वीडियो को भी स्किप कर छोड़ दीजिए, वीडियो को कॉपी पेन के बिना मत कीजिए। और एक बात बताऊँ, 10 आप लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 10 तक लिख लीजिए। उसके बाद आप अपना स्कोर मेरे साथ शेयर कीजिए। अभी मैं वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देना है और उसके बाद स्केयर आपको जो अपना स्कोर है वो शेयर करना है। इससे क्या होगा कि इससे मुझे पता लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बच्चों को आ रहे हैं, कौन से आपके कंसेप्ट वीक है और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। अभी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर मेरे 8 नंबर आए 10 में से, तो वेरी ग्रेट जॉब। मैंने उसको रिप्लाई भी किया कि बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहिए आप। और भी कई स्टूडेंट की इंक्वायरी आ रही थी कि सर और वीडियो बनाओ। मैं बना रहा हूँ वीडियो यार, थोड़ा टाइम कम है तो वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, कंबसन इज ए प्रोसेस ऑफ, कंबसन क्या है? ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन है या नन ऑफ दीज है? तो वीडियो को पॉज करके बताइए कंबसन क्या है। तो होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, कंबसन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। जब किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन, हम ऑक्सीजन किसी भी चीज़ में मिलाते हैं तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन या कोई भी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जब हम किसी भी चीज़ में मिलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। कंबसन में क्या होता है, कंबसन में भी जो हाइड्रोकार्बन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, कार्बन लगा लो कोई सिंपल कार्बन, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्या होता है, बर्न होता है, उससे CO2 बनती है, एनर्जी निकलती है। तो ये क्या है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी और एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन वो है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन है, ए मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट नो फोर्स ऑन, एक मैग्नेटिक फील्ड में किस चीज पर एक फोर्स नहीं लगता? तो आपका ए ऑप्शन है मैग्नेट, बी ऑप्शन है स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, सी है अनमैग्नेटाइज आयरन बार और डी है एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। तो बताना इसका, पॉज करके बताओ एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है तो बताना आपको। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर वो है, इसका आंसर ए है, क्योंकि एक स्टेशनरी जो चार्ज होता है उस पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता। और फोर्स का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, मैं पहले ही बताता हूँ कि पूरी NCERT से नहीं आता पेपर, बहुत बाहर से आता है। जैसे ये क्वेश्चन बाहर से आए हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे कि आपको मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पता होगा, जो फोर्स आप मैग्नेटिक फील्ड लगाता है किसी भी चार्ज पर वो होता है बिल साइन थीटा। बिल हम सिंपल बिल लिख देते हैं, बी से हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, आई से हो गया आपका करंट और एल से हो गया आपकी जो लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो क्या होता है, अगर एक स्टेशनरी चार्ज है तो करंट की वैल्यू उसमें जीरो होगी। जब चार्ज स्टेशनरी होता है तो करंट क्या होता है, I = 0 होता है। तो इसका आंसर वो है ए, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, द डिफेक्ट ऑफ विजन विच कांट बी करेक्टेड बाय यूज ऑफ स्पेकल्स, कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है जो कि स्पेकल्स का यूज, मतलब कि करेक्ट नहीं किया जा सकता स्पेकल का, यानी कि चश्मे लगा के।
तो बताइए वीडियो पॉज करके। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आपने लगा लिया होगा टिक, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, सी है जिनका ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। तो सी कटरेक्ट, कटरेक्ट मोतियाबिंद हिंदी में कटरेक्ट को बोलते हैं, इसको हम केवल और केवल सर्जरी से ही ठीक कर सकते हैं, इसको हम लेंस लगा के या कोई और से इसका वो तरीका नहीं है। मोतियाबिंद बोलते हैं हम इसको, मोतियाबिंद भी कई टाइप के होते हैं, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया। तो चलिए 3 क्वेश्चन हो गए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला है अमीबा इज एन, अमीबा क्या है, एक अमीबा बताना आपको क्या है, अमीबा इज एन, अमीबा ये बायोलॉजी से लिया गया आपका लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है। तो अमीबा क्या है, एक होलोजोइक एनिमल है, अमीबा सभी को पता होगा, एनिमल किंगडम में आता है अमीबा, और प्रोटोजोआ, बेसिकली ये एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ को अब एनिमल में कंसीडर करने लगे हैं। तो अमीबा क्या है, एक होलोजोइक एनिमल है, तो होप आपका ये ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, उसमें देखना है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए। तो होप आपने वीडियो को पॉज किया, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर वो है सी है, NADPH क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है फोटोसिंथेसिस में, वो बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसको मैं अभी लिखना नहीं चाहूँगा, आपको केवल इतना याद रखना है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, वो होता है NADPH, और NADPH की फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसकी जो फुल फॉर्म होती है। और ATP आपको पता ही होगा, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और RUBP की भी आपको पता होगा, राइबोलोज बिस फॉस्फेट, इसकी जो फुल फॉर्म होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, वो है ए डाइवर्जिंग लेंस इज यूज्ड इन, डाइवर्जिंग लेंस किस चीज़ में यूज किया जाता है। डाइवर्जिंग लेंस का आपको पता होगा यहाँ पर कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस उसको हम कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस करते हैं, जो कि जो रेज को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, तो ये होता है डाइवर्जिंग लेंस। तो इसका यूज़ कहाँ पर है, तो वीडियो को पॉज करके लिखिए अपना आंसर, उसके बाद शेयर करना। तो होप आपने वीडियो पॉज की होगी, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर वो है सी है, स्पेकल्स फॉर द करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइडनेस। शॉर्ट साइडनेस आपको पता होगा क्या होती है, शॉर्ट साइडनेस होती है मतलब कि जो जब आईज क्या करती है कि पास की चीज़ों को तो देख लेती हैं लेकिन दूर की चीज़ें दिखती नहीं हैं सही ढंग से, तो उसको बोलते हैं हम शॉर्ट साइडनेस। तो इसका, इसको हम करेक्शन कैसे करते हैं, हम ये वाला लेंस लगा देते हैं हम, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस लगा देते हैं, तो इसका आंसर सी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, वो है केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है, ड्राई आइस इज ए, ड्राई आइस क्या है, सॉलिड CO2 है, सॉलिड कार्बन मोनोऑक्साइड है, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड है, सॉलिड हीलियम है। तो वीडियो पॉज करके बताइए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। तो मैं बता देता हूँ, सॉलिड CO2 को क्या करते हैं हम, ड्राई आइस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो है एलोट्रोप ऑफ कार्बन यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा कार्बन का एलोट्रोप है जो कि यूज़ किया जाता है। तो होप है वीडियो आपने पॉज की होगी, तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर वो है ए है, ग्रेफाइट को हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो अगला है वो है, ये डायमंड भी एलोट्रोप है कार्बन का, ठीक है। तो अगला है वो है, विच ऑफ़ दी फॉलोइंग मेटल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इनमें से कौन सा मेटल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो बताइए। तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर जो है वो है ए है, एल्यूमिनियम, Al2O3 क्या होता है, Al2O3 आपने पढ़ा होगा, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो अगला क्वेश्चन है, वो है 10th क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज, रेजिस्टेंस ऑफ एन एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, 10 ओम या 5 ओम। तो वीडियो पॉज करके बताइए, तो होप आपने वीडियो पॉज की होगी, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर वो है 0 है, एक आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट उसमें से पास हो सके, और एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो आइडियल तो कोई चीज़ बेसिकली होती नहीं है, ये तो वैसे कल्पना है, किसी भी कोई भी मेटल है, कोई भी एमीटर है, उसका रेजिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, वो कुछ ना कुछ तो फोर्स उसके अपोजिट लगाता है करंट के। तो होप आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस की होगी, और तो चलिए मैं चलता हूँ, और स्कोर शेयर करना मत भूलना, और सारी वीडियोज़ को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर आप देख सकते हो। और एक बात और जो मैं बता रहा था कि इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी ऐसी ऐसी वीडियो वहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं चलिए बच्चों चलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए मॉडर्न क्लासेज ऑनलाइन।